दरभंगा सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के सभागार में उर्दू एक्शन कमेटी की ओर से एक दिवसीय स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उर्दू एक्शन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष एसएम अशरफ फरीद ने की। इस अवसर पर उर्दू एक्शन कमेटी दरभंगा की ओर से आए मेहमानों का पार्क व शाल से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने कहा कि हमें यह देखकर काफी प्रसन्नता हो रही है कि उर्दू एक्शन कमेटी के संरक्षक व सुन्नी वकफ बोर्ड के चेयरमैन श्री इरशाद उल्ला, उर्दू एक्शन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष एसएम अशरफ फरीद, अशरफुल नबी के नेतृत्व में पूरे बिहार में उर्दू की उन्नति एवं उर्दू को उसका वाजिब अधिकार दिलाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। उर्दू एक्शन कमेटी दरभंगा की ओर से एक मेमोरेंडम दिए जाने के जवाब में उन्होंने कहा कि उर्दू अकादमी, उर्दू मूसा मुसारवती कमेटी और गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में खाली पदों को भरने के लिए अशरफ फरीदेव सुन्नी वकफ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्लाह के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर अभिलंब इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने मदरसा शमशुल खुदा पटना में खाली पदों पर जल्द ही शिक्षक के चयन की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी टीईटी उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी, सभी टीईटी उम्मीदवारों को मान सम्मान के साथ बिहार सरकार चयनित करेगी। वहीं सुन्नी वकफ बोर्ड के अध्यक्ष व उर्दू एक्शन कमेटी के संरक्षक सादुल्ला ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने करोड़ों की लागत से अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए मदरसा बोर्ड में हॉस्टल की तामीर करा रहे हैं। के लिए उर्दू के साथ जो ज्यादती हो रही है उसका सही हक दिलाने के लिए मकसद तो सिर्फ इतना ही है ना। लेकिन जो हालात है अभी दरभंगा जिला में उर्दू को लेकर के, आज उर्दू बोलने वाले तो छोड़ दीजिए, शादी का कार्ड से लेकर के दावतनामा तक आज हिंदी में लिखा जा रहा है। कहाँ पे देखा आपने? जी कहाँ देखा आपने? हम गांव में मैंने देखा है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। बहुत सारे जगहों पे ऐसा हो रहा है। आज भी उसको लेकर के आपकी कमेटी क्या कर रही है? 100% शादी का कार्ड दरभंगा में उर्दू और अंग्रेजी ही में छपता है, हिंदी को तो मैंने नहीं। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ और आली जनाब अशरफ फरीद साहब कौमी तंजीम के सरबरा ने जो ये कमर कसी है उर्दू फ्लोक के लिए, मैं उनको मुबारकबाद दूँ। और हम लोगों ने आपसी ये मशवरा किया था कि उर्दू के फ्लोक के तहफ़ के लिए हम लोग क्या लाहे अमल अपनाएं, तो ये पूरी एक कम्युनिटी है, उसका मैं भी एक अच्छा सा इंसान सरपरस्त हूँ। आए दिन मीटिंग होती रहती है, आज दरभंगा शहर में ये मीटिंग उर्दू एक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। उर्दू हमारी एक मादरी जुबान है, हमारे हिंदुस्तान की जुबान है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। उर्दू किसी इंसान या किसी मुसलमान की जुबान नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये उर्दू किसी जात की जुबान है, ये हमारे हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान की। हर लफ्ज़ हर वर्ड चाहे वो आज़ादी से लेकर आज तक उर्दू के अल्फाज इसमें इस्तेमाल होते रहे हैं, चाहे शेर व शायरी हो। हमारे बहुत सारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री, मंत्री, इन लोग उर्दू का इस्तेमाल करते हैं शेर व शायरी में और बातचीत के दौरान। हमारे वजीर आला बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी खासतौर से जब दौर इकतदार में आए और वजीर आला बिहार बने तो उन्हें भी उर्दू सीखने का शौक हुआ और उर्दू से बड़ी मोहब्बत रखते हैं और उर्दू उनका तलफ़ जितनी अच्छी नीतीश कुमार की है हम जैसे अच्छे अच्छे मुसलमानों की नहीं होगी, इसलिए कि वो कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं, इसलिए कि उर्दू से मोहब्बत है। और आज उर्दू के फ़रोग के लिए हमारे वजीर आला बिहार भी कोशिश में है कि उर्दू की तरक्की कैसे हो, उर्दू के बच्चे कैसे तालीम याफ्ता हो। हमारे उन्होंने मुझे यहाँ आने की दावा दी, यहाँ बड़े बड़े दवा शरीफ रखते हैं। मैं एक बात कहकर आपसे अवसर चाहूँगा, दरबार बड़ा उपदेशक है, मन बातों से वो नेता है। गुप्तार का माजी बंद हो गया, किरदार का माजी बन न सका। उर्दू की फिक्र और उसके फलों के लिए
ये बनाई गई कमेटी ये कब कामयाब होगी, जब हमने हर पल अमली तौर पर उर्दू को बढ़ावा देने के लिए तैयार हो जाए।